ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। जिस दे रोस च लुधियाना दे व्यापारियों ने रोड जाम करके पुलिस खिलाफ मोर्चा खोलिया। व्यापारियों ने पुलिस ते धक्केशाही दे इल्जाम लगाए। साढ़े व्यापारी संगठन का एक मुआइंदा राजेश जैन जी, अश्विनी जैन पप्पी जी झूठे 306 के मुकदमे पुलिस ने किसी प्रेशर के अगेंस्ट परचा दर्ज करता और कल साढ़े किसान भाइयों ने इत्थे मोर्चा ला के उन्होंने प्रेशर के अगेंस्ट बिना इनक्वायरी किए साढ़े भरा की गिरफ्तारी देती। सानू इंसाफ चाहिए, साडा बंदा बाहर चाहिए, असी इस तो बिना उठना नहीं है। सबनों यह पता है कि जिस आदमी झूठा केस पा के प्रशासन ने किसी दबाव के तहत आके उस बंदे की गिरफ्तारी पाई गई है, उन्हें अज तक समाज में हमेशा पैसा दिता है, दान भी किया है, हर वेले और दिता ही आया। तो उत्थे ही दूजे पासे किसानां ने खुदकुशी नूं लै के पुलिस कमिश्नर दे दफ्तर दे बाहर रोड उपर धरना ला के जोरदार नारेबाजी कीती। किसान भी कारवाई ते अड़े हुए ने। किसान जथेबंदियां दे वल्लों कारोबारी विरुद्ध सख्त कारवाई दी मंग कीती जा रही है। सुखजिंदर सिंह की जिहड़ी जिस कारण मौत हुई वह कारण यह सी कि एक बयाने नाल हेर फेर करके अदालत दे विच मतलब हेर फेर वाला दस्तावेज ला के उहदी जमीन हत्या ली गई आ ते कोशिश कीती जा रही आ ते असी उस दे हक विच उहनूं इंसाफ दिवाउण वास्ते जिहड़े कि काफ़ी समय तो लंबे समय तो इंसाफ की मंग करते आ रहे हैं ते 7 एकड़ जमीन का मसला ते उह इन्हां जिहड़ा इन्हां ने कब्जा करिया जमीन दे उत्ते असी उहदे हक दे विच उहनूं इंसाफ दिवाउण इत्थे असी पहुंचे आ। व्यापारियों के वलों जिथे प्रशासन के धक्केशाही के इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो उत्थे ही पुलिस ने कानून मुताबक कार्रवाई किए जाने का दावा किया। कह रहे जी कोई साढ़े से जवाब नहीं, दोनों उत्थे दे है ने एक दिन उन्होंने आए से अजे आए हैं, दोनों ने असं यही किया कि मैरिट के हिसाब से जो है कार्रवाई है जो कानून के मुताबिक फैसला नहीं होया जी, असं यही आश्वासन दिता उन्होंने आए थे कि हले से देखते हम देख रहे हैं। लुधियाना के पिंड जैनपुर च एक कारोबारी ने किसान तो प्रॉपर्टी खरीदी सी। समय तो रजिस्ट्री ना होने के कारण कारोबारी ने अदालत जरिए पैसे जमा करवा के रजिस्ट्री करवाई, जिसनों लेके किसान ने विरोध जताया। कोई भी कार्रवाई ना होने के कारण किसान ने खुदकुशी कर ली सी। सुसाइड नोट दे विच ओ 3 कारोबारियों के नाम लिख के गए, जिस आधार से पुलिस ने कार्रवाई करदिया कारोबारी नूं गिरफ्तार कर लिया। इसनों लेके कारोबारियों के भारी रोष है। लुधियाना तो भरत शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया।